मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहिया ताहिली के अपने फैसले को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस याया खान आफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया, कहा किसी भी रुकन असेंबली की नाहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। इसी की तफसीलात देखिए अबरार अस्तूरी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में सात रुकनी बेंच ने ताहयात नाहली की मुद्दत से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली का पुराना फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल करते हुए करार दिया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे रखने की जरूरत नहीं। ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सामने आया, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तलाफ किया। जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि ताहयात नाहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि किसी भी रुकन असेंबली की नाहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाहली का इख्तियार नहीं। अदालती फैसले से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को रिलीफ मिल गया। फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में 62(1)(f) के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है।